और अंदर लफड़ा यही हुआ ना, कैमरा उन्होंने देख के ना, जब वो बाद में पता चला कि कैमरा पुलिस वुलिस भी आ गई, देखा आपने जैसे कि पुलिस भी आ गई, तो मेरा कैमरा वैमरा बंद कराने लगे, कह रहा है वीडियो बंद करो ना। क्या हो गया, इसमें कौन सा वहाँ बस स्टैंड पे बना रहे यार, कोई वहाँ कोटे में थोड़ो खड़े जो वीडियो बंद कर रहे हैं। प्राइस कितना है, चार्जेस किसका, एसी नॉन एसी है? एसी बस है, नॉन एसी भी है। नॉन एसी कितने का है? नॉन एसी का 2000 है, 1800 लगेगा। एसी में 2400 नेपाली है, 2000 लगेगा। एसी में 2400 नेपाली है, 2000 नेपाली लगेगा। 2000 नेपाली, हाँ। नॉन एसी में 2000 है, 1600 लगेगा। आपका लास्ट कितना है? एक आदमी का 1750 लगेगा। 1750 नेपाली। नॉन एसी का बताओ, एसी का 1500 दीजिए। 1500 कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। सभी को नमस्कार और जय हिंद। अभी हमें काठमांडू नेपाल में, और दोपहर का बज चुका है 12। अभी फिलहाल नाश्ता वास्ता हो गया अपना, और रूम से निकल के अब जा रहे हैं बस पता करने के लिए किराया कितना है। भाई पिछली बार मैं गया था तो 1200 के आसपास ऐसे लिया था, 1100 नेपाली। अभी कितना किराया है ये देखना है भाई, वो तो मैं एक साल पहले गया था, अभी का रेट क्या है वो देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल कल की नाइट बहुत अच्छी रही, आपने पिछला जो वीडियो देखा होगा, अभी और भी बहुत सारे वीडियो आएंगे जहां आपको देखने के लिए मिलेगा। हमारा भाई इधर पूरा तहलका मचा दिया साला रात में, है तो हमने कहा पहले बस पता कर रहे हैं, क्योंकि भाई देखो सबसे पहला है कि कल मेरे को 12 बजे रूम छोड़ना है, तो बस का चार्जेस पता कर लेंगे वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, तो दिक्कत नहीं होगा आराम से कि अपना रूम कितने बजे खाली कर सकते हैं। 12 बजे का टाइमिंग है, तो हमने कहा पहले पता कर लेते हैं बसेस क्या सिस्टम है, इसके बाद फिर चलते हैं घूमने के लिए। तो अभी हम यहाँ से ले चलेंगे आपको काल भैरव का मंदिर, जो दिखाएंगे, और भी बहुत चीज़ें, मार्केट है, पाटल दरबार ऐसे कुछ करके एक जगह है, रत्ना पार्क की दिन की मार्केट है, पशुपतिनाथ जी का मंदिर है, बहुत सी चीज़ें हैं जो ऐसे प्लेस हैं जहां आप घूम सकते हैं। तो फिलहाल अभी चलेंगे, अभी फ़िलहाल आ गए यहां के बस स्टैंड में हम, जो कि इस तरफ देखेंगे यहां पर मॉल वॉल वगैरह है इनका, लोकल कपड़े अपड़े मोबाइल वगैरह सब मिल जाता है इधर। अभी तो चलते हैं पहले बस स्टैंड में, और बस स्टैंड के अंदर बिल्कुल काउंटर लगे हुए सभी चीज़ के, वहाँ से आप टिकट ले ज़्यादा बेस्ट है, इधर उधर के चक्कर में ना पड़े। हमेशा मैं तो कहता हूँ, पिछली बार भी था, जो दलाल वाले के चक्कर में पड़ना ना मतलब नुकसान ही होता है, ठीक है। तो फिलहाल अंदर चलते हैं और बताते हैं आपको एक बार किराया देखे कितना है यार अंदर। ये कुछ बस स्टैंड है भाई साहब, कुछ ऐसा इस तरह का बना हुआ भैया। ये है बीजी मॉल के पास, आप मैप में डालोगे बीजी मॉल, बीजी इसका लोकेशन मैं डाल दूंगा कहाँ पर है ये बस स्टैंड। काफ़ी बड़ा बस स्टैंड है, यहाँ से पोखरा, नेपाल का रक्सौल, नेपाल किसी भी कोने में जाना बस के लिए आप यहाँ से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल अंदर चलते हैं, अंदर रेट पता करते भाई क्या रेट है। तो ये ऐसे ही लोग पूछते हैं यहाँ पर, ये सब अंदर काउंटर खिड़की होती ना उनके ही लोग होते हैं काउंटर बढ़ाऊंगा, और ये आपसे पूछते हैं। लेकिन भाई देखो सबसे बढ़िया मैं बताऊंगा, अंदर काउंटर पे जाओ वहाँ से पता करो कि बस का क्या सिस्टम है, और बस कहाँ मिलेगी, कितने बजे निकले, कई बसें निकलती हैं। तो पिछले बार मैं गया था 2:30 बजे या 2 बजे की बस थी समथिंग आसपास। अंदर चलते भाई, लोकल बस का भी है, और ये सब हमको लगता है प्राइवेट ही है, सरकारी नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे ही पूछते हैं, इनके चक्कर में नहीं पड़ने का भाई, हम खुद ही जाके अंदर देख लेंगे जाके कि हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, ये कुछ इस तरह का है। अंदर चलते हैं, ठीक है, कहीं नहीं चलना। तो आइए हम देखते हैं, आपको दिखाते हैं थोड़ा सा सिलीगुड़ी के लिए कहाँ से मिलेगा। नेपाल
आपको भाई उतारती है ये बस यहाँ से सिलीगुड़ी, क्या पानी की टंकी, ठीक है, सिलीगुड़ी के लिए किधर है हाँ आपका है कहाँ सिलीगुड़ी, तो डायरेक्ट गाड़ी नहीं मिलेगा ना। अरे हाँ भाई ये सिलीगुड़ी के लिए गाड़ी है, सिलीगुड़ी यहाँ नहीं मिलेगा, पानी का टंकी तक जाता है ना गाड़ी के लिए। देखो भाई ऐसे ही होता है, ये पता है कुछ लोग होते हैं ना जैसे कि ये एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से ये बताते नहीं है। देख सकते हैं आप कैमरे में देखेंगे आप, ये नहीं मिलेगा ये, ठीक है, भदोही तो ठीक है, इधर है नहीं यार, लो मोहनी सुनौली हमें जाना है पानी की टंकी सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी आज जाना है, कल कल कितने का है, कल सुबह की शाम कितने बजे पास है आप टाइमिंग बताइए, ढाई तीन चार, ढाई तीन चार, ढाई और तीन चार, और उतारना कै बजे वहाँ पे, सुबह सात बजे आठ बजे। प्राइस कितना, प्राइस कितना, प्राइस कितना है, चार्जेस किसका, एसी नॉन एसी है, एसी बस है, नॉन एसी भी है, नॉन एसी कितने का है, नॉन एसी का 2,800 लगेगा, एसी में 2400 नेपाली है 2000 लगेगा, एसी में 2400 नेपाली है 2000 नेपाली लगेगा, 2000 नेपाली, हाँ नॉन एसी में 2000 है 1600 लगेगा, भाई साहब एसी का बताइए आप, एसी का, एसी का 2000 नेपाली लगेगा, 2000 नेपाली, हाँ एक आदमी का, 2000 ज्यादा नहीं बता रहे हो, पता है यहाँ तो गवर्नमेंट रेट होता है ना, गवर्नमेंट रेट है, हाँ 2000 तो क्या, यहाँ से क्या करोगे, 620 किलोमीटर है उसका किराया, 2400 तो क्या है एसी का, उसमें डिस्काउंट करके एक आदमी का 1400 डिस्काउंट करके 2000 में ले जाएगा, 2000 में ले जाएगा, हाँ एक आदमी का। और नॉन एसी कितना बताया आपने, 2000 है उसमें 1600 में ले जाएगा, 1600 में ले जाएगा, 2000 है, चलो बोलो सही बताओ, आप सरकारी रेट बता रहे हो, हम तो यार एक साल में इतना किराया पड़ गया क्या, मैं तो 1200 में गया था यार, 1200 आया था, 1200 दिए थे मैंने तो, पानी की टंकी तक, हाँ हाँ वही एक साल में इतना किराया पड़ गया क्या, 3500 नहीं ना, नॉन एसी दे दो, नॉन एसी दे दो, नॉन एसी कितने का देगा, लास्ट नॉन एसी कितने का देगा, लास्ट बताओ, नॉन एसी 3000 एसी में जाइए, 3500 अच्छा है, क्या हो गया, कौन सा वहाँ बस स्टैंड पे बना रहे यार, कोई वहाँ कोटे में थोड़ो खड़े वीडियो बंद करे, हाँ 1200 गया था मैं, अंदर से 1200 दे के गया थे, पानी की टंकी वही, अब मेरे को नहीं पता, पानी की टंकी तक बाहर से, आपका लास्ट कितना है, एक आदमी का 1750 लगेगा, 1750 नेपाली, नॉन एसी का बताओ, 1500 दीजिए, 1500 क्या हुआ, क्या मतलब बस स्टैंड के अंदर, मैं पहली बार यार चौंक गया कि बस स्टैंड में वीडियो नहीं बना सकते, या तो कोई झोल है, उन्होंने अचानक आके मेरे को रोक दिया कि भाई बस स्टैंड पे आप वीडियो नहीं बना सकते मतलब जो सरकारी रेट है या तो उससे ज़्यादा दे रहे हो तो उसकी वजह से आप ऐसा कर रहे हो, तो अभी इसके बारे में अभी हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बस का देख लेते हैं कि बस का जो मिल जाए, क्योंकि अंदर जो किराया बता रहा है वो नॉन एसी का 1500, पहले 2000 बता रहा था, उस वो आ गया 1500, एसी वाला बोला 1750 का, ठीक है, 1000 का इंडियन का होता है 1500 रुपये, तो ये मान लो 1200-1300 रुपये एक बंदे का। फिलहाल चलते हैं बाहर, बाहर से हम एक बार गाड़ी पकड़ते हैं, ठीक है, बताते हैं सिस्टम क्या है। तो भैया टिकट ले ली मैंने, कल 2 बजे की गाड़ी है, यहाँ से 3 बजे निकलती है,
सुबह वही 8 बजे के पास पहुँचाएगी, वो बोल रहा है 5 बजे पहुँचा देगी, लेकिन पहुँचाएगा वो 8 बजे के आसपास ही, 8:30 बजे सिलीगुड़ी के पास, सिलीगुड़ी वाला नेपाल, ये नेपाल से पहुँचा देगा सिलीगुड़ी। ठीक है, वो ही अंदर टिकट पता है कितने का, मेरे को 2000 की बोल रहे थे। और अंदर लफड़ा यही हुआ ना, कैमरा उन्होंने देख के ना, जब वो बाद में पता चला कि कैमरा पुलिस भी आ गई, देखा आपने जैसे कि पुलिस भी आ गई, तो मेरा कैमरा वैमरा बंद कराने लगे, कह रहा है अलाउ नहीं है। हमने बस स्टैंड में कौन भाई, पूरी दुनिया में किसी भी कोने पे चले जाओ, बस स्टैंड पे कौन वो करता है यार। एयरपोर्ट तो चलो मानता हूँ ठीक है, एयरपोर्ट में कहीं कहीं होता है, वो बस स्टैंड पे कौन करता है यार, कैमरा बंद करा रहा है, कह रहा ये नेपाल है इंडिया नहीं। हमने कहा इंडिया वाला वो भी नहीं पाएगा, क्योंकि इंडिया में अलाउ होता है भाई, बस स्टैंड में बना सकते हो, बस स्टैंड में कोई मना नहीं होता। ठीक है, और चीज़ अभी मैं बाद में बताऊँगा। किराया भाई मेरा वही 1500 रुपये की बस हो गई मेरी, एसी वाली सीट वाली, स्लीपर नहीं है। ठीक है, स्लीपर इधर मिलता भी नहीं है, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर वही चलता है। तो फिलहाल अभी जा रहे हैं हम काल भैरव के मंदिर। तो फिलहाल ये कुछ नज़ारा है भाई साहब, देखो अभी मौसम बढ़िया वाला हो गया यहाँ पर, देखेंगे आप क्योंकि धूप ऊप चली गई, ठंडा मौसम है यार, सुबह ठंड लग रही है, रजाई ओढ़ के सोना, हेलो, तो यहाँ रजाई ओढ़ के सोना पड़ता है सुबह के टाइम ठंडी होता है। और पानी ऐसा बिल्कुल बर्फ़ जैसा यार, नहाना भी साला का वो लग रहा था मेरे को। ये देखो प्यारे प्यारे बच्चे, कुछ लोग अच्छे हैं लेकिन कुछ लोग पता नहीं वैसा बिहेवियर करते हैं ना, बहुत सी बोलते हैं ना क्या कहा यार उनको। ठीक है, लेकिन अपने को क्या, अपने को तो पानी निकालना है बस। ठीक है, तो अपनी टिकट बुक हो गई, बाहर से मैंने बुक कराया, काउंटर बाहर भी काउंटर है, वो भी मैं दिखा दूंगा जब मैं कल जाऊंगा, तो कहना मैंने कहां से बुक करी है वो आपको दिखा दूंगा। कल जो स्टार्ट होगी जर्नी बस वाली, वो चलेगी पूरा वहाँ तक, भूटान तक। तो फिलहाल अभी सिलीगुड़ी पहुँचते हैं, फिर देखते हैं आगे का सीन कैसा क्या होता है, उधर मौसम क्या है, गाड़ी का सिस्टम क्या है भाई साहब, पूरा सब तो पूरा वो सारा देखने के बाद ही आपको बता पाएंगे हम। ठीक है, ये बस में भी होता है कि जैसे मैंने मेरे पहले वाले इसमें वीडियो में देखा होगा क्या सीन हुआ था बस का, अगर नहीं देखा होगा तो वो वीडियो आने वाला है, इसके बाद आपको पता चल जाए। ये काल भैरव के लिए सर किधर से मिलेगी मंदिर, हाँ ठीक, थैंक यू। तो अभी उधर से हम बस पकड़ते हैं भाई साहब, फिर आपको बताते हैं। तो ये बसें चलती हैं लोकल वाली, इसी से आप पाटल दरबार या काल भैरव रत्ना पार्क कहीं भी जाना चाहें तो चले जाएंगे आराम से। उधर चलते हैं, उधर से होगी साथ गाड़ी। तो ये स्टैंड कुछ ऐसे ही होते हैं आगे, और यहीं से आपको बस मिल जाएगी, देखते हैं भाई किराया कितना लेता है बस में बैठने के बाद, कौन वाला जाएगा, काल भैरव जाएगा, काल भैरव नहीं पता, बैठा ले ऐसे, ये काल भैरव की तरफ जाता है क्या बस, काल भैरव नहीं जाएगा, काल भैरव नहीं जाएगा, कौन सा गाड़ी मिलेगा आगे, ओके धन्यवाद, आओ तो आओ देखे भाई आगे मिलेगा, पूछ रहा है कि आगे मिलेगा गाड़ी। इधर ये देखो बस स्टैंड है ना, यहाँ पे भी गाड़ियाँ वगैरह आपको प्राइवेट मिल जाती हैं, वो अंदर वाला है भाई, हम तो कहेंगे अंदर से मत लो, सिस्टम है। काल भैरव जाए, काल भैरव, काल भैरव जाए, काल भैरव, काल भैरव, काल भैरव, नहीं पता क्या यार, ये ना इधर ही रोड पर पड़ता है, अरे बैठने से क्या होगा, इसे बैठा लो पता लगे हम, अरे यार ये रोड अलग दिखा रहा है, यहाँ से अब उधर दिखाने लगा ये,
ऐसे रास्ते हैं, ये जीपीएस भी काम नहीं करता क्या यहाँ पे? ये हम जाए एक काल भैरव के लिए किधर से मिलता है इस जगह जाना मेरे को? यहाँ पे नहीं पता आपको? पता है इधर जाना मेरे को? हजर यहाँ पे वो इस जगह पे बस बता कहाँ से मिलेगा ये कहाँ जाना वाला? इस जगह काल भैरव मंदिर है ना यहाँ पे? हाँ यहाँ पे जाना मेरे को। नहीं पता। अब ये तो बड़ी समस्या है भाई।